हेलो फ्रेंड्स, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। सो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने से पहले ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो इनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये मैंने आज कुछ 10 पॉइंट ऐसे उठाए हैं जो मतलब आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा, फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर, ठीक है। मतलब जो भी हम कास्टिंग करेंगे, कॉलम, बीम या फुटिंग जो भी होगी, तो जो हमारा आरसीसी का माल होगा ना, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से हमें नहीं फेंकना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 125 mm या 5 इंच, ठीक है। जो हमारी स्लैब की थिकनेस होगी ना, 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा हम दे सकते हैं वो हमारे एक्ट पर डिपेंड है, बाकी इससे 125 mm से हमें कम नहीं लेनी है, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा, लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर लैपिंग अबव 32 mm, मतलब जो 32 mm से बड़ा टॉर होगा ना, उसमें हम लैप नहीं देते हैं। उसमें लैप हम देंगे जो हमारा वेल्डिंग करके देंगे, ठीक है। जो भी मतलब 32 mm से बड़ा बार होगा, टॉर होगा हमारा, उसका लैब हमेशा हम वेल्ड करते हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए, हमारा क्यूरिंग डेज, ठीक है। एक ये है हमारा सल्फेट सीमेंट, जो हमारा सल्फेट सीमेंट है उसकी क्यूरिंग हम कितने दिन करते हैं, 7 दिन, ठीक है। बी हमारा है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और उसकी क्यूरिंग हम कितने दिन करते हैं, 10 डेज। और सी पॉइंट है हमारा, सीमेंट विद मिनरल्स एंड एडमिक्चर्स, तो उसकी क्यूरिंग कितने दिन होगी हमारी, 14 डेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनिशियल सेटिंग शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, जो हमारी सीमेंट की मतलब जब हमारा कास्ट हो जाएगा कोई भी मटेरियल, तो हमारी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा ना, वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इनिशियल हमारा कितना रहेगा, 13 मिनट हमारा इनिशियल रहेगा। तो आगे हमारा, फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन 10 आवर, मतलब जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होगा तो वो 10 घंटे से ज़्यादा ही होना चाहिए। आपने कोई स्लैब कास्ट कर दी और जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा ना, वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कितना नहीं होना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 3 सैंपल ऑफ सॉइल शुड बी टेकन ड्यूरिंग टेस्ट। अगर हम कोई भी सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मतलब कंपैक्शन टेस्ट या सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट, तो जो हमारे मिनिमम सैंपल होंगे ना, कम से कम हमें 3 सैंपल लेने हैं, ठीक है। उससे पॉइंट हमारा, वेट ऑफ ब्रिक इक्वल टू 3.70 to 3.80 kg, ठीक है। तो मतलब जो ब्रिक हम साइड पे यूज़ करेंगे, उसका वेट इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ना तो 3.70 से कम और ना 3.80 kg से ज़्यादा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, पैरापिट वॉल हाइट शुड बी 1 मीटर, मतलब हमारी कम से कम पैरापिट वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। इससे कम मतलब हमें पैरापिट वॉल की हाइट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विंडो हाइट शुड बी 120 cm और 1.2 मीटर, मतलब जो हमारी विंडो की मिनिमम हाइट होगी ना, वो 1.2 मीटर ही होनी चाहिए, इससे कम हम विंडो नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए, किसी भी साइट पे जाने से पहले ये सब चीज़ें आपको मिनिमम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं, ठीक है।